जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं, ब्रेकडाउन करने वाले हैं एक ऐसी कॉर्ड प्रोग्रेशन का जो कि मोस्ट यूज्ड कॉर्ड प्रोग्रेशन है बाय गिटारिस्ट। और लोग इसको प्ले तो कर रहे हैं बट लोगों को रियली में पता नहीं है म्यूजिक थ्योरी क्या इसके पीछे और कैसे वर्क कर रही है। जब आप लोग ये समझ जाते हैं तो आप लोग इसको और जगह भी यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशन के साथ और डिफरेंट कॉर्ड्स के साथ भी यूज़ कर पाते हैं। ओके, तो जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। मैं एक सॉन्ग के साथ दिखाता हूँ आप लोगों को। मेरा मन कहने लगा पास आते ना तू दूर जा। तो आप लोगों ने जरूर इस कॉर्ड प्रोग्रेशन को बजाते हुए लोगों को देखा होगा। जो रियल कॉर्ड्स इसमें प्ले हो रहे हैं वो है जी मेजर, देन देयर इज ई माइनर 7, देन देयर इज सी एड 9 एंड डी सस 4। अब ये अच्छा साउंड करती है। पहले देख लेते हैं इन कॉर्ड्स को प्ले कैसे करना है, देन मैं इसके पीछे की म्यूजिक थ्योरी आप लोगों को बताऊंगा। म्यूजिक थ्योरी बताने से क्या होता है कि आप लोगों को उसको डिफरेंट जगह यूज़ करने का भी एक चांस मिलता है। ओके, इन कॉर्ड्स को प्ले करने का बहुत सिंपल तरीका है। जी मेजर कितने प्ले करो, बस इतना याद रखना कि जो जी मेजर प्ले करना है वो नीचे की दो स्ट्रिंग्स वाला प्ले करना है, ठीक है? सिंगल स्ट्रिंग वाला हम लोग जी मेजर भी प्ले करते हैं लाइक दिस, बट यहाँ पर क्या करना है, दोनों नोट्स को प्ले करना है, ठीक है? नीचे दोनों फिंगर्स हो, नीचे ऊपर चार्ट दिखाई दे रहा है, कॉपी कर लो। ओके, जो सेकंड कॉर्ड हम लोग देखने वाले हैं वो है ई माइनर सेवंथ। तो ई माइनर सेवंथ प्ले करने के लिए क्या करना है, वो जो दो फिंगर्स थी वो दोनों फिंगर्स इंटैक्ट रहेंगी। जो जी मेजर में हमने ये दोनों फिंगर्स रखी थी ये हर एक कॉर्ड में यहीं पर रहेंगी, बस ऊपर की दो स्ट्रिंग्स चेंज होंगी, ठीक है? दो नोट्स चेंज होंगे, मतलब नीचे के दो फिंगर्स सेम रहेंगी, इससे ऊपर के दो फिंगर्स चेंज होंगे। तो पहले जी में हम लोगों ने उनको ऐसे रखा था लाइक जी मेजर कॉर्ड, ई माइनर कॉर्ड कैसे बजता है, ऐसे बजता है, राइट? बट हमें अब इस ई माइनर को इन दोनों फिंगर्स की जगह इन दोनों फिंगर से बजाना है, तो इन दोनों फिंगर से ई माइनर बजाया और नीचे की जो दो नोट्स थे, जो दो स्ट्रिंग्स हमने पकड़ रखी है इन दी थर्ड फ्रेट, ये यहीं पर रहेंगी, तो ई माइनर बज जाएगा, ई माइनर 7 बज जाएगा ऐसे। देन सी एट 9 प्ले करने के लिए हम लोगों को बस सी का जो शेप होता है ना, सी का जो शेप होता है वो वैसे ही रखना है, बट हम लोगों को बस इन दोनों फिंगर से ऊपर वाले दो स्ट्रिंग्स को पकड़ना और नीचे हम लोगों की ये दोनों स्ट्रिंग्स मैं वही वाली दोनों फिंगर्स रहेंगी जो पहले से थी, तो ये हटेंगी नहीं, ठीक है? ये दोनों फिंगर्स नहीं हटेंगी, ये इंटैक्ट रहेंगी। यही इस कॉर्ड प्रोग्रेशन की बेसिक खासियत है। और फिर डी कॉर्ड, ठीक है, जो नॉर्मल डी कॉर्ड होता है वैसे बसता है, तो वही दो फिंगर्स हम यहाँ पे लेके आए बट हमने उसकी जगह बस यहाँ पे पिंकी फिंगर पहले से रखी हुई थी, ये रखे रहे हम लोग, ऐसा बन जाएगा डी सस 4 कॉर्ड। तो चारों कॉर्ड्स कैसे बजेंगे, ये दोनों फिंगर्स नहीं हटी, नीचे की जी मेजर ई माइनर 7, ई माइनर वाला शेप प्ले करा ऊपर वाली दो फिंगर से, सी मेजर 7 सॉरी सी मेजर सी एड 9 कॉर्ड जो कि ऊपर की दोनों फिंगर्स ऐसा शेप पकड़ लेंगी, एंड फिर डी सस 4 जो कि ऐसा हो जाएगा। तो चारों कॉर्ड्स प्ले करनी आ गई। अब इससे आप लोग हजारों सॉन्ग बजा सकते हो लाइक जो दरगाह तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना जालिमा। और मे बी एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं लाइक डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे सॉन्ग्स कर दूंगा जो इस प्रोफेशन से बच सकते हैं, जो कि बहुत आप लोगों को हेल्पफुल है, बट आप समझते हैं थ्योरी, ठीक है? जो तो मेन पार्ट था इस वीडियो का। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सॉन्ग्स तो आपके बच जाएंगे ये चारों कॉर्ड सीखे तो, हजारों सॉन्ग्स। अब बात करते हैं थ्योरी की, कैसे हम लोग जी कॉर्ड ऐसे प्ले कर रहे हैं, देन ई माइनर ऐसे प्ले कर रहे हैं विच इज द ई माइनर 7, बट ये स्टिल अच्छा साउंड कर रही है। देन सी मेजर की सी एड 9 प्ले कर रहे हैं तो भी अच्छा साउंड कर रही है, और डी सस 4 प्ले कर रहे हैं तो भी अच्छा साउंड कर रही है। कैसे, मैं बताता हूँ। जी मेजर कॉर्ड जब हम लोग प्ले करते हैं हमारे पास तीन नोट्स बजते हैं, जी बी एंड डी नोट्स, राइट? जी बी एंड डी नोट्स। अब हम लोग जब याले शेप से प्ले कर रहे हैं तो जो लास्ट के दो नोट्स हैं जो हर एक कॉर्ड में रहेंगे, दो नोट्स कौन कौन से ये हमें पहले जज करना जरूरी है। बी स्ट्रिंग सी सी शार्प डी, तो एक तो नोट डी है और नीचे वाली स्ट्रिंग में जी नोट है, तो हमारे जो जी सॉरी डी नोट और जो जी नोट है ये हर एक कॉर्ड में बज रहे हैं, डी एंड जी नोट। अब ये जो दो नोट्स हैं क्या ये जी स्केल के अंदर आते हैं? यस, आते हैं, बिकॉज ये मेजर स्केल में तो है ही है, ये मेजर कॉर्ड में भी है, जी मेजर कॉर्ड में भी यही तीन नोट मिलके तो हमारा मेजर कॉर्ड बजा रहे हैं ना, जी बी एंड डी। तो ये जो यहाँ पर कॉर्ड्स हैं जी एंड डी नोट्स, जो डी और जी नोट्स हैं, ये तो स्केल के अंदर नहीं कॉर्ड के अंदर भी आते हैं, जी कॉर्ड के अंदर भी आते हैं। इसीलिए जब हम लोग इस कॉर्ड के साथ स्केल के दूसरे कॉर्ड्स ऐड कर देते हैं, इन दो नोट्स के साथ ये दोनों नोट्स बजते रहेंगे और बाकी स्केल्स मतलब जो स्केल के अलग कॉर्ड्स है लाइक ई माइनर है जो कि स्केल में आता है हमारे कौन से पोजीशन में, सिक्स पोजीशन में आता है, देन देयर इज सी मेजर
जो कि हमारा फोर्थ पोजीशन में आता है, एंड डी मेजर जो कि हमारा फिफ्थ पोजीशन में आता है। कॉर्ड्स हम लोग चेंज कर रहे हैं बट ये दोनों नोट चेंज नहीं कर रहे हैं, और ये अच्छा साउंड इसलिए कर रहा है बिकॉज ये रूट नोट के दो कॉर्ड्स हैं, और ये दो नोट्स एक तरीके से किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, लाइक अ पैडल नोट। पैडल नोट क्या होते हैं, जो नोट्स थ्रू आउट द सॉन्ग बजते रहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं इसमें एक या दो नोट्स रेगुलरली बजते रहेंगे बैकग्राउंड में। बेस गिटारिस्ट भी ये काम करता है, पियानिस्ट भी ये काम करता है थ्रू द पैडल सस्टेन करके, ना तो दो नोट्स रेगुलरली बजते रह रहे हैं, बस बाकी सारे नोट्स चेंज हो रहे हैं, वो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। बस क्योंकि ये दोनों नोट्स जो हैं वो स्केल के अंदर के मेन नोट्स हैं, जो कि रूट नोट है, और जो हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो डी नोट है ये हमारा परफेक्ट फिफ्थ नोट है। दोनों पावर कॉर्ड्स के नोट्स हैं, फर्स्ट नोट एंड द फिफ्थ नोट, इन दोनों नोट से पावर कॉर्ड बजता है, राइट। तो एक सॉन्ग को एक तरीके से एक पीछे से एक लीड दे रहे हैं, मतलब एक लीडिंग नोट की तरह वर्क कर रहे हैं, एक पैडल नोट की तरह वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ऊपर के कॉर्ड्स चेंज भी कर रहे हैं और ये दोनों नोट्स नहीं कर रहे हैं चेंज, तो भी वो अच्छा साउंड करेंगे क्योंकि ये स्केल के अंदर के ही नोट्स हैं, इवन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स में से एक है, राइट, पटाखा फूट के बाहर। ओके, तो आप लोगों को समझ आएगा इसके पीछे की थ्योरी क्या है। थ्योरी क्या है, सिंपल सी बात है, ये जो जी नोट के दो जो नोट्स हैं, ये दोनों नोट्स स्केल के अंदर के ही नोट्स हैं, और मेजर स्केल जो मेजर कॉर्ड है, जो रूट कॉर्ड है, उसके नोट्स हैं। इसलिए चाहे हम लोग कॉर्ड्स चेंज भी कर रहे हैं, इवन ये दोनों कॉर्ड्स अगर पीछे बजते रह रहे हैं तो ये अच्छा साउंड करेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, एक और सपोज अगर हम लोग ई मेजर ओपन कॉर्ड है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर प्ले करते हैं, है ना, तो भी अच्छा साउंड करें, लाइक मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू। मैंने ई मेजर को शिफ्ट कर दिया, ई मेजर ओपन कॉर्ड को, स्टिल वो अच्छा साउंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो ओपन नोट्स रह भी चुके हैं, जो ओपन स्ट्रिंग्स रह भी चुके हैं, नीचे की दो स्ट्रिंग्स ओपन, ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो ई मेजर कॉर्ड में बज रही थी, क्योंकि ये दोनों नोट्स ई मेजर कॉर्ड में आ रहे हैं, तो ये ई मेजर स्केल के बाकी जो कॉर्ड्स हैं उनके साथ अच्छे लगेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं जो पोजीशन पर आया हूँ, ये पोजीशन फोर्थ और फिफ्थ कॉर्ड की पोजीशन है, लाइक ई मेजर को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए, ए कॉर्ड जो होता है वो ऐसे बजता है नॉर्मल, जिसको हम हाफ प्ले कर रहे हैं तो ऐसा बज रहा है, बट जब हम इसको हाफ भी प्ले कर रहे हैं तो हमारे जो तीनों नोट्स जरूरी होते हैं किसी भी कॉर्ड को प्ले करने के लिए, विच इज़ रूट नोट, मेजर थर्ड एंड परफेक्ट फिफ्थ, वो तीन तो बज ही रहे हैं, उसके साथ बाकी के जो दो नोट्स हैं, जो पैडल नोट्स हैं, वो उसी स्केल के रूट कॉर्ड के नोट्स हैं, तो क्योंकि वो रिंग आउट हो रहे हैं तो वो अजीब साउंड नहीं करेंगे। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पर प्ले करने लगूँ तो वो अजीब साउंड करेगा, बट मैं इन रिलेशन टू ई मेजर प्ले कर रहा हूँ ए मेजर और बी मेजर की जगह, तो वो अच्छा साउंड करेगी, क्योंकि ई मेजर स्केल में फर्स्ट कॉर्ड और जो फोर्थ कॉर्ड और फिफ्थ कॉर्ड होते हैं तीनों मेजर होते हैं, क्योंकि मैं मेजर शेप को प्ले कर रहा हूँ इन दी फोर्थ पोजीशन, तो ये बन जाएगा ए कॉर्ड जिसमें दो नोट्स ऐड हो चुके हैं, और इसी को दो आगे कर दूँ तो बी कॉर्ड बन जाएगा जिसमें दो नोट्स ऐड हैं, और ये दो नोट्स कौन से हैं, ये दो नोट्स कहीं बाहर के नहीं है, स्केल के अंदर के ही मेजर कॉर्ड के नोट्स हैं, इस वजह से ये अच्छा साउंड करेगा। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, सी मेजर को अगर मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मली सी मेजर कॉर्ड प्ले कर रहा हूँ और सी मेजर स्केल में एक सॉन्ग करता हूँ, लाइक कौन कहता है कि हम लोग ओपन कॉर्ड्स को मूव नहीं कर सकते, श्योरली मूव कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो ओपन नोट्स हैं वो सी कॉर्ड के नोट्स हैं, जो कि रूट कॉर्ड है इसका। अगर हम लोग इसको शिफ्ट भी कर देते हैं टू द पोजीशन एफ एंड जी, ये जो मैंने आज शिफ्ट किया है एफ और जी कॉर्ड की पोजीशन में चेंज किया, राइट, और एफ और जी क्या होते हैं, मेजर कॉर्ड्स होते हैं इन द सी स्केल, तो उनके साथ बस हम लोगों ने ये दो नोट्स ऐड कर दिए जो कि सी स्केल के ही हैं, तो वो एज अ पैडल नोट रिंग आउट करते रहेंगे तो भी अच्छे लगेंगे। करेक्ट, सिंपल है। अगर इसके बारे में और जानना हो लीडिंग नोट कैसे वर्क करते हैं, मतलब जो पैडल नोट है वो कैसे वर्क करते हैं, नॉट लीडिंग नोट, लीडिंग नोट इज अ डिफरेंट थिंग, पैडल नोट कैसे वर्क करते हैं ये और समझना हो तो ऊपर एक लिंक दे रखा है, इस वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसी थ्योरी वीडियोज़ पसंद हैं तो श्योरली आप लोग मेरा फॉरएवर गिटार कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल बिगनिंग से एडवांस लेवल तक गिटार सिखा रहा हूँ थ्रू 200 वीडियोज़। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने 200 वीडियोज़ बनाई है फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल, और इस कोर्स में मैं आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। अगर आप लोगों को हल्का हल्के कॉर्ड्स स्ट्रमिंग आती है, बोर हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आगे क्या प्ले करना है, इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। पूरा कोर्स आप लोगों को 999 में मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो, गिटार सीखना हो बिल्कुल अच्छे से, म्यूजिकली गिटार सीखना, मतलब म्यूजिक थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन कैसे करना है सब कुछ सीखना हो, तो कोर्स ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे प्ले स्टोर का, ऐप स्टोर का एंड वेबसाइट का, जिसकी हेल्प से आप लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोर्स को ले सकते हो और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक्सेस कर पाओगे एक जगह से बाय करके।
ज्वाइन कर लेना। अगर गिटार सीखना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरीज हो रिगार्डिंग दिस कोर्स, तो व्हाट्सअप नंबर दिया है, मैसेज मी, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी 24/7। सी यू गाइस इन दिस नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आएगा इस कॉर्ड प्रोग्रेशन को कैसे वर्कआउट कराना है। एंड आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय।